हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का छोटा सा व्लॉग शुरू करते हैं। फिलहाल मैं निकली हूँ डॉक्टर के पास जाने के लिए। ईसीजी का टेस्ट जो है वो हो गया था ना पिछले व्लॉग में आपने देखा, तो वही रिपोर्ट आज दिखाने के लिए जा रही हूँ। तबीयत भी बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है तो सोची हूँ साथ ही साथ चेकअप करवा लूँगी। आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। आधी का टिफ़िन बना रही थी तो इतना चक्कर आया ना कि आधा काम करते करते मुझे जाके लेटना पड़ गया और तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। इसीलिए आज आधी भी स्कूल नहीं गया क्योंकि उसने देखा कि मम्मा के पास मुझे रहना चाहिए, तो यही सोच के वो रह गया था घर पे ताकि मेरी देखभाल कर सके। फ्रेंड्स, ईसीजी का जो रिपोर्ट है ना वो आ गया था, तो जा रहे हैं डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाने के लिए। साथ में आज सुबह से है ना बहुत चक्कर भी आ रहा है, स्कूल एब्सेंट हो गया आधी का। नाश्ता बनाते बनाते इतना चक्कर आ गया कि आधी पकड़ के किचन से ले आया मुझे और चाय रख दी थी मैं, तो मैं उसको बोली चाय छान लो क्योंकि मेरा चक्कर आ रहा था तो लेट गई थी। बेचारे का हाथ भी जल गया चाय छानते हुए हड़बड़ी में, क्योंकि उसे टेंशन हो रहा था। एक तरफ मम्मा को तो चक्कर आ रहा था इसीलिए, तो वो स्कूल भी नहीं गया आज। अब शाम हो गई है, जा रही हूँ डॉक्टर को दिखाने के लिए रिपोर्ट, और इसके बाद शायद कल सुबह ब्लड टेस्ट भी होगा। तो देखते हैं जैसा जो होगा बताएंगे आप लोगों को। और फ्रेंड्स, डॉक्टर से चेकअप हो गया। ईसीजी का रिपोर्ट जो है डॉक्टर ने कहा कि अच्छा नहीं आया है, मतलब कुछ गड़बड़ी है, तो उसके लिए अब कुछ और भी टेस्ट होंगे। तो सिर्फ ब्लड टेस्ट की बात थी लेकिन अब और एक्स्ट्रा टेस्ट सब करवाना पड़ेगा। तो चलिए अब वापस घर की तरफ आ गई हूँ और रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी इसीलिए शूट नहीं की कुछ भी। देखिए नाश्ता लेके आई हूँ, नाश्ते का पैकेट आप देख सकते हैं बारिश से भीग गया है पूरा। तो चलिए आपको खोल के दिखाते हैं क्या क्या लेके आई हूँ। पता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टेंस्ड हूँ क्योंकि जो ब्लड टेस्ट होने वाला है वो 3500 का था। मैं पूछ के ही आई थी ईसीजी वाले दिन, और अब जो है ना हार्ट की भी कुछ इश्यूज़ के लिए टेस्ट होंगे काफ़ी सारे, तो वो भी करीब करीब 3000 का, मतलब 6500 का तो डॉक्टर ने टेस्ट ही लिख दिया है। बताइए इतना इतना पैसा खर्च हो जा रहा है ना, तो टेंशन तो होगी। डॉक्टर के पीछे ये सब खर्च एक्स्ट्रा हो जाता है और क्या बोलूं, और अब कराना तो पड़ेगा ही। और ये देखिए आदि के लिए पिज़्ज़ा है और साथ में ढोकला खाता है तो उसके लिए ढोकला है, और समोसा मैं अपने लिए लाई थी, समोसा और जलेबी। तो ये नाश्ता लेके आ गई थी, शाम का नाश्ता हो गया था। और दिन में ना पास्ता बनाई थी, जो मैंने कहा ना बनाते बनाते चक्कर आ गया था, तो तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए व्लॉग छोटा ही रखेंगे फ्रेंड्स। और व्लॉग जो है वो इसी के साथ ख़त्म भी करेंगे। फिर मिलूँगी, कोशिश करूँगी फिर से छोटा ही सही व्लॉग बनाने का। जब तक तबीयत ठीक नहीं होती है तब तक उपाय भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा फ्रेंड्स, और फिर कल मिलूँगी, कोशिश करूँगी कल भी मिलूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे। अच्छा लगा हो ब्लॉग तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा, और न्यू व्यूअर्स जो हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।